अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑर्गेनिक शेल्फ बाय गुड़िया। आज की वीडियो है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं दो ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी जो कि आपके ओपन पोर्स के मसलों को हल करेगी। क्योंकि ओपन पोर्स एक बहुत बड़ा मसला होता है और जो स्किन पे बहुत बदनुमा लगता है, और लेडीज़ के लिए तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। इसके बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। समटाइम ये सन एक्सपोजर की वजह से होते हैं, हम सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से ओपन पोर्स का मसला हो जाता है। समटाइम ये होते हैं कि कोलेजन प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ओपन पोर्स का मसला हो जाता है, हमारी स्किन सैग करती है और जिसकी वजह से ओपन पोर्स शुरू हो जाते हैं। तो बाहर रीज़न जो भी हो, इसका क्योर करना बहुत ज़रूरी है। और आज की रेमेडी है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज मैं आपसे दो ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके ओपन पोर्स के मसले को हल करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी। फर्स्ट रेमेडी में मैं आप यूज़ कर रहे हैं, ये है मुल्तानी मिट्टी या फुल अर्थ। आपको पता है मुल्तानी मिट्टी में बहुत हेल्दी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। मुल्तानी मिट्टी आपको स्किन को साफ और शफाफ करती है, और ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को ख़त्म करती है और मिट्टी धूल को साफ करने में मदद करती है। ये बेसिकली हर स्किन टाइप के लिए मुफीद होती है। चूंकि ये आपकी स्किन से ऑयल एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है, तो इससे ब्लैक हेड और वाइट हेड का मसला भी ख़त्म होता है और एक्नी को ख़त्म करने में भी मदद करती है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी को हम किस में यूज़ करेंगे? एग वाइट के साथ। जी हाँ, एग वाइट में हम मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करेंगे। आपको पता है कि एग वाइट में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को बेसिकली फ्रेश करती हैं, और ये आप पोर्स को श्रिंक करते हैं। तो ये इसके साथ हम रेमेडी बनाएंगे। ये हम लेंगे 1 स्पून, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जितना भी आपको चाहिए, हम एग वाइट में ये मुल्तानी मिट्टी मिक्स करेंगे। ये देखिए जरा, मैंने इसको मिक्स कर लिया बीच में, और इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। ये थोड़ा सा पता है कि ये थोड़ा सा जेली फॉर्म में होता है एग वाइट, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अच्छा सा एक मिक्सचर, एक पेस्ट तैयार हो गया है। और जस्ट वॉश योर फेस एंड अप्लाई दिस रेमेडी ऑन योर फेस एंड नेक एज वेल, और इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने दें, और इसके बाद फिर आप इसको फ्रेश वाटर से, टैप वाटर से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके 2 or 3 times की एप्लीकेशन से आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आपके ओपन पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ओपन पोर्स का मसला हल हो जाएगा। ये तो थी इसकी एक रेमेडी ओपन पोर्स के हवाले से। जी, ये हो गई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी है बहुत ज़बरदस्त, जो है टमेटो के साथ। आपको पता है टमेटो में ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, इसमें विटामिन सी भी होते हैं, और ये आपके पोर्स को श्रिंक करने में और स्किन को टाइट करने में बेहतरीन काम करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सिंपली इसको मिल्क पाउडर के साथ, आप हल्का से इसको मिल्क पाउडर लगाएं और इस तरह से इसको अपनी स्किन में रब कीजिए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइटली रब नहीं करना, बहुत हार्श हाथों से रब नहीं करना, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से अपने स्किन पे 4 to 5 minutes रब कीजिए, और साथ साथ ये मिल्क पाउडर लगाते जाइए। 4 to 5 minutes इसका मसाज कीजिए, और 4 to 5 minutes के बाद इसको ऐसे रहने दीजिए, और उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके ओपन पोर्स का भी मसला हल होगा, आपका स्किन टोन भी बेहतर होगा, और ये आपके स्किन को टाइट भी करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या रिजल्ट मिले। मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी बहुत ही यम्मी रेसिपी के साथ, या यूज़फुल रेमेडी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।